वेलकम बैक टू माय चैनल शकुरा। मैं रीमा सुहान आप सबका स्वागत करती हूँ और एक बार मेरे चैनल पे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। लेके आई हूँ आप लोगों के बीच में आज और एक नया ब्लॉग। आज के ब्लॉग में क्या दिखने को मिलेंगे आप लोगों ने ऑलरेडी हमने देख लिया है और उसके साथ है एक गिव अवे। यस, आज के मेरा जो ब्लॉग है उसमें आप लोगों को एक गिव अवे मिलेंगे। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा। एंड साथ ही साथ अभी अगर आप पहली बार मेरा चैनल पे आए हो, मेरे ब्लॉग देख रहे हो, पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और चलिए ब्लॉग को आगे चलाते हैं। तो गाइस, आज का जो मैंने आउटफिट पहना है ये फर्जियों से है। इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉग बना है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है यहाँ पे लिंक मेंशन है, आप लोग वो ब्लॉग देख सकते हो डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके। तो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं अमेजन से कुछ पार्सेस किया था अकारो का प्रोडक्ट्स। मैं आप लोगों के साथ वो प्रोडक्ट्स का रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे को वो प्रोडक्ट सच्ची में अच्छा लगा कि नहीं और कैसा है, जो उसका प्राइस है प्राइस के हिसाब से क्वालिटी अच्छा है कि नहीं, आप लोग पार्सेस कर सकते हो कि नहीं। चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो सबको पता है हाल ही में अमेजन में एक ऑफर चल रहा था, तो ऑफर चलते चलते मेरे को भी कुछ सामान चाहिए था तो मैंने भी परचेस कर लिया और मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ मैंने क्या परचेस किया है। मैंने बहुत ही हैवी वाला सामान परचेस किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने दो अगारो का प्रोडक्ट्स परचेस किए हैं। चलिए दिखाते हैं इन दोनों को ओपनिंग करके और साथ ही साथ यूज करके भी दिखाते हैं ये सच्ची में अच्छे है कि नहीं या फिर ये डाउन है। तो गाइस, पहले जो मैं दिखाना चाहती हूँ, मैंने अगारो का एक इलेक्ट्रिक केटल परचेस की है। इलेक्ट्रिक केटल मैं बहुत दिन से देख रही थी, फिर मेरे एक दोस्त ने बोला है अगारो का ट्राई कर सकते हो, वो भी यूज कर रही है, तो मैंने सोचा चलो दोस्त ने बोला है तो यूज करके देखते। तो मैंने ये अगारो का इलेक्ट्रिक केटल खरीदा है जिनका मॉडल है एलिगेंट और कलर ब्लैक में है। तो चलिए एक साथ मिलजुल के अनबॉक्सिंग करते हैं इलेक्ट्रिक केटल। तो गाइस, प्रोडक्ट कुछ ऐसे आया था। ये डायरेक्ट जो अगारो का आपको दिख रहा है ये कवर के अंदर ही आए हुए हैं, इसके बाहर कोई एक्स्ट्रा कवर नहीं था, एक्स्ट्रा बॉक्स के अंदर नहीं आया था। बट ये बॉक्स भी बहुत मजबूत है तो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से आया है, बिल्कुल भी टूटा फूटा कुछ भी नहीं हुआ है और इसका पैकेजिंग वगैरह मेरे को पसंद आया। अंदर दोनों ही प्लास्टिक के अंदर रैप हुए हैं और यहाँ पर ये वारंटी कार्ड वगैरह जो है वो सब है, तो इसको संभाल के रख देती हूँ मैं। फिर इसका प्लास्टिक सतह के दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है क्योंकि ब्लैक कलर है, वैसे भी बहुत अच्छा लगता है जब भी ब्लैक कलर में कुछ भी खरीदती हूँ, मेरा फेवरेट कलर है बोल के। एंड इसका अंडर का पार्ट भी पूरा स्टेनलेस है। तो चलिए देखते हैं यूज़ करके ये अच्छा होता है कि नहीं। तो मैंने प्लग इन कर दिया इस साइड पे और केटल में पानी भी भर दिया है। अभी ढक्कन बंद करके इसको स्विच ऑन कर देते हैं, देखते हैं कितने टाइम में हो जाते हैं। लाइट ऑन हो गया है और ये साथ ही साथ ऑटोमेटिक बंद भी हो गया है। तो अभी देखते हैं पानी, आप लोग देख सकते हो कितने जल्दी इतना बॉयल हो रहा है। तो गाइस, ये इलेक्ट्रिक केटल मैंने परचेस की है 1149 रुपीस में। तो अगर आपको भी इलेक्ट्रिक केटल की ज़रूरत है, अगर आप भी परचेस करना चाहते हो तो आप जा सकते हो, ले सकते हो अगर आपका ये इलेक्ट्रिक केटल। तो उसके बाद गाइस, मैंने जो दूसरा प्रोडक्ट ऑर्डर की है ये है कॉफ़ी मेकर, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल आइटम है। तो हम दोनों को भी कॉफ़ी पीना बहुत ही पसंद है लेकिन बनाने को बहुत ही आलस लगता है, लेकिन अभी जब से ये खरीदा है हमें आलस का नामो निशान मिल गया है क्योंकि ये बहुत ही इजी है यूज़ करने के लिए। चलिए आप लोगों को दिखा। तो चलिए अभी कॉफ़ी मशीन भी एक साथ खोल लेते हैं और देखते हैं इसका कैसा है, क्योंकि ये बहुत हैवी वाला है तो फिर मैं हेल्प के लिए मेरे पति को बुलाऊँगी इसमें, और मेरे पति मेरे को हेल्प कर रहे हैं इस साइड पर। पार्सल बहुत ही अच्छे से आया है, उसमें कुछ भी कॉम्प्लेन करने की बात है नहीं, हर एक चीज़ बहुत परफेक्ट तरीके से पैक की है उन लोगों ने, हर एक चीज़ में प्लास्टिक के अंदर से। तो ये मशीन का खोलते खोलते मेरे पति ने फाड़ दिया ऊपर का प्लास्टिक जो था, एक्चुअली ये प्लास्टिक नहीं है, थोड़ा सा लूज टाइप का है और ये दिखने में तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अभी यूज़ करने के बाद पता चलेगा क्वालिटी कैसा है, अच्छा है कि नहीं। तो ये कॉफ़ी के लिए स्पून दिया है और साथ ही साथ ये है जिसमें कॉफ़ी डाल के उसमें ज्वाइन करना है मशीन में।
तो यहाँ पे मैंने एक स्पून फूल डाला है और देखते हैं कैसा बनता है। इसको ऐसे दबा देना है थोड़ा सा हल्का सा, फिर दबाने के बाद इसको ऐड करना है जो कॉफ़ी मशीन में है उसमें अच्छे से फीड करना है आपको। फिर यहाँ पे पीछे के साइड जो पानी डालने का स्टोरेज बॉक्स है उसमें पानी डालना है आपको। कितना ग्लास चाहिए कॉफ़ी उस हिसाब से आप डाल सकते हो। मैं एक कप बना रही थी बस टेस्टिंग के लिए, तो मैं एक कप का ही डाला इसमें, तो और मैंने पावर ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है कॉफ़ी गिरना। तो मेरा कप ऑलमोस्ट फुल होने वाला है, बट ये ऑटोमेटिक बंद नहीं होता है, इसको आपको खुद से बंद करना पड़ता है। तो कप फुल हो गया है, मैंने बंद कर दिया है और ये बिना दूध का दिखने में कुछ ऐसा है। मैंने दूध ऐड नहीं किया था तो दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें चीनी मिक्स करना बाकी है, मैंने चीनी नहीं डाला था। तो गाइस ये जो कॉफ़ी मेकर है इसको हमने परचेस की है 9,404 रुपीज़ में। अगर आप लोग भी कॉफ़ी लवर हो, आपको भी मतलब कॉफ़ी हर टाइम पीने की आदत है तो उन लोगों के लिए अच्छा है, बट जिनको चाय पीना ज़्यादा पसंद है, एक दो कप कॉफ़ी बनाने के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है इतना सारा पैसा खर्च करके ये मंगाने के लिए, जिनको जो कॉफ़ी एडिक्टेड होती है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसी के साथ साथ चलिए बढ़ाते हैं ब्लॉग को आगे और दिखाते हैं आज के गिफ्ट में मैं आप लोगों के लिए क्या गिफ्ट लेके आई हूँ। चलिए मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, एक है सनस्क्रीन, जैसे कि अभी धूप है बहुत सारी जगहों में तो सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक सनस्क्रीन है आप लोगों के लिए, एक है आपका पिलग्रिम का लिप रिलॉन, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मेरे को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये एक लेके आई हूँ। और साथ ही साथ एक लिपस्टिक लेके आई हूँ जो हमारे लेडीज़ के बहुत ही फेवरेट चीज़ है, ये एक लिपस्टिक है ब्लश बी ब्रांड की। तो ये तीन प्रोडक्ट मिलेंगे आप लोगों को अगर आप गिवअवे में पार्टिसिपेट करते हो। चलिए रूल्स बताते हैं गिवअवे का। तो गाइस जो गिवअवे का रूल है इस साइड मैंने मेंशन करके रखा है, फिर भी मैं दोबारा बोल लेती हूँ। गिवअवे का रूल है, पहला जो है आप लोगों को मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा ताकि मैं जब भी ब्लॉग लाऊं आप लोगों को डायरेक्टली मेरा ब्लॉग देखने को मिल जाए। एंड दूसरा है आप लोगों को मेरे को फॉलो करना पड़ेगा Instagram पे, मैंने यहाँ पे Instagram ID मेंशन कर दी है, आप लोग Instagram पे मुझे फॉलो करिए। तीसरा जो रूल है वो है आप लोगों को मेरा ये जो ब्लॉग है ये शेयर करना है आप लोगों को अपने फ्रेंड्स के साथ, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप कहीं पे भी शेयर कर सकते हो। और मेरे को कैसे पता चलेगा आप लोगों ने शेयर किया है कि नहीं, आप लोगों को शेयर करने वाला जो स्क्रीनशॉट है आप लोगों को मेरे को DM करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे, क्योंकि जब आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करोगे, अगर आपका कोई फ्रेंड आता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएंगे विन होने के लिए, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आप। तो गाइस जो फोर्थ रूल है वो है कमेंट पे आप लोगों को लिखना है हैप्पी जुलाई। तो बहुत ही इजी रूल्स है, पटापट पार्टिसिपेट कीजिए, क्या पता आप विनर बन जाओ। मैं हर महीना गिवअवे लाती हूँ, एक गिवअवे रहता है मेरे एक मंथ पे, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कौन विनर बनेंगे देखने के लिए। आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए, पटापट अपने दोस्तों को बुलाइए। एंड साथ ही साथ आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट्स के लिंक चाहिए आप लोग मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी। तो आज का ब्लॉग यहाँ पे खत्म करेंगे, आज के लिए थैंक यू सो मच जो एंड तक बने रहे, थैंक यू सो मच ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहे। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।